इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी में है, तो हमारा जो विद्यालय है इसमें बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को प्रवेश दिया जाता है। इवन जब एडमिशन होता है तो उनका कोई टेस्ट भी नहीं लिया जाता है। जिस बच्चे ने क्लास 8th पास कर रखा है, वो बच्चा अगर हमारे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसको प्रवेश दिया जा रहा है, ये बिना ये जाने कि वो किस कास्ट का है, किस क्लास का है। अगर कोई विकलांग बच्चा भी हमारे विद्यालय में आ रहा है तो उसको भी हम इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सुशील क्लास 9th का स्टूडेंट है और सुशील ने जुलाई में एडमिशन लिया था। सुशील ने जुलाई में हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। पहले तो हम लोगों को लगा कि ये कैसे लिखेगा, लेकिन फिर उसने जब लिख कर दिखाया और उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो उसके एज स्पेसिफिक या क्लास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती नहीं है। वो और बच्चों की से ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है। उसके दोनों हाथ नहीं हैं जैसा आप लोगों ने देखा है, तो लेकिन वो अपने पैर से लिखता है और पैर से लिखने में उसको बैलेंस बहुत करना पड़ता है क्योंकि फर्श पर बैठकर लिखता है। मेरे को ऐसा पर्सनली मैं ऐसा फील करती हूँ कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है और उसके लिए हमको एक वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बच्चे को विद्यालय में बहुत शैक्षिक वातावरण दे सकें और उसको कोई भी तकलीफ ना हो।